basically idea kaha se aaya matlab kaise usko the idea of all about section 377 basically is generated from the very issue that our country is facing which is called this law section 377 jo same gender consensual sex ko allow nahi karta it criminalizes them aur mere hisab se ye bahut hi galat ho raha hai because I think at the end of the day we are restricting somebody to love we are restricting somebody the freedom of choice aur ye bahut hi galat hai ye ek fact hai the other thing is that I feel ki aaj tak hamare you know through medium of fiction stories or cinema or serials people have mostly made fun of the LGBT community which is very wrong aur mere hisab se waisa nahi hona chahiye to hamari koshish hai through section 377 ki hum LGBT community ko right way mein darshaye we project them in the way that they should be we don't only make fun of them but we also highlight their emotional journey You know, when we got this idea, when I got this and I heard the script, I was very interested because I'm always interested in making something with a social cause. But tendency hai generally ke social cause hota hai, to it's boring. So what was different over here was that it wasn't boring, it was very interesting, very funny, but on the same hand, it was not making fun of anyone. So getting a message across, entertaining, it was a whole package. And that is what is how you can influence people and it is all about youngsters so I aur jab maine in sab kaam kara aur maine realize kara ke ye gays bhi hain jo hamare jaise hi log hain koi alag log nahi hai aur wo jab unke sath kaam kara aur ye sab dekha kara tab samajh mein aayi ki kya hai so I agreed with their opinion and I thought ki ye acha way hai jisse hum change kar sakte hain आगे का और कुछ इफेक्ट कर सकते हैं प्लस एंटरटेन भी कर सकते हैं प्लस लोगों को इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं सो शूट शूट के दौरान कोई फनी मोमेंट हाँ शूट के दौरान बहुत ही फनी मोमेंट्स थे क्योंकि हमारी जो स्क्रिप्ट है वो बहुत ही फनी स्क्रिप्ट है ऑब्वियसली पर एक दिन क्या हुआ था कि हमारा मुझे ऐसे बोला गया आधी रात को कि फुटेज डिलीट हो गया और मैंने और ऐसे डिलीट हो चुका था पूरे दिन का फुटेज और जब हम वेब सीरीज कर रहे होते हैं तो बजट्स बहुत टाइट होते हैं जबकि इन्होंने हमें बहुत खुला दिया है बट ऑब्वियसली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो हमारा फुटेज नहीं मिल रहा था एक पूरे दिन की शूट का और मैं बहुत ही कोशिश कर रहा था कि वेब सीरीज जल्दी हो जाए क्योंकि मुझे इसमें एक्ट भी करना था मेरे लिए बहुत मुश्किल था तो जैसे मुझे बताया गया एडीज ने फुटेज घुमा दिया तो मैंने जाके सबको ऐसे जोर से चीखा उनको डांट रहा था साइड में जो एक्टर्स थे वो डर रहे थे मुझे पता नहीं आज तक कि क्यों बट इवेंचुअली फिर रात को जब मैं घर में बैठा था तो उनको एक कार्ड में फुटेज मिल गया और वो सेव हो गए सो इट्स फनी नाउ पर अगर वो फुटेज नहीं मिलता तो इट वुडंट हैव बीन फनी बट दिस वाज वन इंसिडेंट व्हिच वाज डेफिनेटली मेमोरेबल क्योंकि सबकी हालत खराब हो गई थी ड्यूरिंग माइंड मैं चीख रहा था चिल्ला रहा था पर अंदर से मैं रो रहा था और दैट वाज द बिगेस्ट आई थिंक मोमेंट दैट वी हैड एंड मेरे साथ फनी मोमेंट बाद में हुआ नॉट ड्यूरिंग शूटिंग क्योंकि मैं आती जाती रही थी मैं बिकॉज़ आई एम फ्रॉम दिल्ली तो मैं सारे टाइम तो यहां शूट पे थी नहीं जब ये सीरीज बन गई और स्क्रिप्ट करना और शूटिंग देखना और फिनिश प्रोडक्ट देखने में बहुत अंतर होता है और जब हमारी यहाँ हम सफर ट्रस्ट में स्क्रीनिंग हुई इसकी तो ये सब तो सुना हुआ था हमने गेज हैं देखे हैं जानते हैं बट ये कभी नहीं सोचा था कि वहाँ जाएंगे मैंने डरी हुई थी मैं कि वहाँ इतने सारे गेज होएंगे सब तरफ क्या लोग बिहेव करेंगे कैसे होएंगे वो हवा बना होता है ना गेज का कि वो ऐसे होएंगे वैसे होएंगे और हम वहाँ जाके बैठे और जब चालू हुआ और लोगों ने अप्रिशिएट करा तब मैंने देखा कि जिस बात पे हम हंस रहे हैं उस बात पे वो भी हंस रहे हैं सब हमारे जैसे ही लोग हैं यू नो तो दैट वाज अ वेरी गुड मोमेंट यू नो दैट यू स्टार्ट फीलिंग के दे आर जस्ट लाइक अस एंड अगर मैं कन्विंस हो रही हूँ तो आई कैन कन्विंस अदर पीपल ऑल्सो तो दैट वाज अ वेरी ब्यूटिफुल मोमेंट ओवर देयर यू नो व्हेन यू मीट दोस पीपल एंड यू रियलाइज के कितनी प्रॉब्लम हो रही है हाउ दे आर एंजॉयिंग एंड व्हेन पीपल एंजॉय व्हाट यू आर डूइंग इट्स अ ग्रेट हाई सर आप एक कोई डायलॉग बोले आपके कैरेक्टर का कोई डायलॉग मेरे कैरेक्टर का कोई भी डायलॉग मेरे तो बेस्ट वो लगता है इन द फ्रंट ऑफ द कार व्हेन यू सिंग एक गाली वाला डायलॉग है वो जो सबसे ज्यादा फेमस हुआ है बट मैं एक डायलॉग बोल सकता हूँ जो यू नो अगेन इट्स क्वाइट फेमस इट्स दैट I am gay, so what's the big deal? What's your problem with that? It's my personal choice. And you know, दो ना अब जैसे इन्होंने बोला एक गाली वाला एपिसोड है एक गाली वाला है बट यू नो जो गाली है वो
ऐसी हैं जो हम रोज यूज करते हैं, हर जना यूज करता है। अब हम वो सोच के चले कि ऐसी कोई गाली नहीं है कि यू नो किसी को पुट डाउन कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। आजकल के यंगस्टर्स की एवरीडे लाइफ की है जो वो बोलते हैं, जो करते हैं। सो सी द फिल्म एंड आई कॉल इट अ फिल्म बिकॉज इट्स नॉट ओनली डिवाइडेड इनटू एपिसोड, इट्स ऑल कनेक्टेड टुगेदर। तो आप एंजॉय करेंगे एंड यू विल आइडेंटिफाई विद इट। यस दैट इज द मेन थिंग।